हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में, और मैं हूं हारिस कुरैशी। दोस्तों, मेरा माइक और स्टैंड टूट गया है किसी वजह से, और 2 4 दिन लगेंगे उसे आने में। मैंने ऑर्डर कर दिया है और आने में कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ जैसे आप देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस खबर में बिल्कुल देरी करूँ, इसीलिए मैंने जल्दी से जल्दी कल ही ये खबर आई थी और आज मैंने इसकी वीडियो बना दी है। खबर बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। शाहरुख खान सर इस बार 2020 में भले ही उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही हो, भले ही 2020 में वो बड़े पर्दे से गायब रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी पर्दे पर दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, दो फिल्में ऐसी हैं दोस्तों, दो फिल्में ऐसी हैं जिसमें वो कैमियो करने वाले हैं, उनका कैमियो अपीयरेंस होने वाला है। एक फिल्म आएगी जून में और एक फिल्म आएगी दिसंबर में। तो सबसे पहले दिसंबर वाली फिल्म का बात करते हैं, हम जून वाली फिल्म का बाद में बात करते हैं। दिसंबर में फिल्म आएगी ब्रह्मास्त्र, जो अभी तक जिसे रिलीज डेट नहीं मिली थी, लेकिन अब उसे रिलीज डेट मिल चुकी है। 4 दिसंबर को ब्रह्मास्त्र आएगी, और वो रणबीर कपूर की फिल्म है, आलिया भट्ट की, अमिताभ बच्चन की फिल्म है। उसमें कैमियो करते नजर आएंगे शाहरुख खान। लास्ट बार शाहरुख खान सर ने ए दिल है मुश्किल में कैमियो करा था, रणबीर कपूर की वो फिल्म थी। अब ब्रह्मास्त्र में कैमियो करेंगे, रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र है और उसमें अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट भी हैं। ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 4 दिसंबर को तो हमें देखने को मिलेंगे ही, उसके अलावा जून में एक फिल्म आएगी, उसमें भी शाहरुख खान सर का कैमियो अपीयरेंस होगा, और उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उस फिल्म का ट्रेलर भी बन चुका है और ट्रेलर उसका कोमल नाहटा देख चुके हैं, और ट्रेलर के अंदर शाहरुख खान को भी देख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने, कोमल नाहटा ने ये न्यूज़ ब्रेक करी है। उन्होंने फिल्म का नाम तो रिवील नहीं करा कि कौन सी फिल्म आ रही है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दावे के साथ कहा है कि मैं, शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है उस फिल्म की और मैं उस फिल्म का ट्रेलर भी देख चुका हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसके फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान भी थे। ने और बातें रिवील करी, जैसे कि सिर्फ 2 4 मिनट का कैमियो नहीं होगा जून वाली फिल्म में, एक बहुत ही अच्छा कैमियो हमें दिखाई देगा। यहाँ तक कि आधे घंटे तक का भी रोल हमें देखने को मिल सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं डियर जिंदगी में, उनका सपोर्टिंग रोल था, खैर एक्सटेंडेड कैमियो सपोर्टिंग रोल, उस टाइप का रोल कह सकते हैं। लेकिन आधे घंटे का तो आप मान के चलिए कि आधे घंटे का कैमियो हमें देखने को मिलेगा जून में, जो फिल्म आ रही है। अब शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है उस फिल्म की। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी फिल्म हो सकती है। कोमल नाहटा सर ने ये बात रिवील नहीं करी कि वो कौन सी फिल्म होगी, लेकिन मैं रिवील करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी फिल्म हो सकती है। एक फिल्म आ रही है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, अभी तक उसकी रिलीज डेट नहीं आई है। बहुत दिनों से मैं इस पे, आपको महीनों पहले, अगर आपको याद हो, महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में शाहरुख खान सर कैमियो कर रहे हैं, जो उसका हिंदी वर्जन रिलीज होगा उसमें वो कैमियो कर रहे हैं। दोस्तों, हो ना हो, मुझे लगता है ये वही वाली फिल्म है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जो जून में रिलीज होगी। अभी तक उसे रिलीज डेट नहीं मिली और वही ये फिल्म होगी, और शाहरुख खान सर इसमें कैमियो करते नजर आएंगे। ठीक है, और देखते हैं, और कोई दूसरी भी हो सकती है, लेकिन मैं 80% कंफर्म हूँ, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जून में फिल्म आएगी, उसमें शाहरुख खान सर कैमियो में नजर आने वाले हैं। और कुछ मुझे आप पता चलेगा मैं आपको फौरन बता दूंगा। आप बने रहें चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।